जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जिस ही मार्केट में कोई नया अपडेट आता है या कोई नई टूल आता है या कुछ ऐसी नॉलेज है जो कि हमारे टेक्नीशियन भाइयों तक नहीं पहुंची है, तो फोनफ्री हैदराबाद की टीम का यही एक मकसद है कि जितने भी टेक्नीशियन भाई है उन तक हर तरह की नॉलेज पहुंचती रहे और हमारे इस चैनल से उनको फायदा होते रहे। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल देखा और थंबनेल देख कर समझ गए ही होंगे, आज हम बात करने वाले हैं SOC डायग्राम, SOC डायग्राम, सिस्टम ऑन चिप इसे कहते हैं, जिसे हम SOC भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चिप के ऊपर जो चिप होती है हमारी IC होती है, तो IC का ही एक दूसरा नाम होता है SOC, जिसको हम सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं SOC के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर पहले से आप सब्सक्राइब करके हैं तो भी बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे चैनल पे जैसे नया वीडियो अपलोड होगा इमिडिएटली आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 नंबर में SOC का ऑप्शन दिया गया है SOC डायग्राम से। इसमें अभी तक इन्होंने 2 CPU के बारे में इन्होंने डाला है, हो सकता है आगे जाकर के बहुत सारे इन्होंने डाले। MSM8909 जो कि जियो वगैरह में आपको देखने मिलेगा, दोनों भी ये क्वालकॉम के CPU है। और MSM8916 का देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने इसका डायग्राम ऑलरेडी खोल लिया है और इसको हम बड़ा करेंगे और चेक करेंगे जूम करके। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, SOC जो ये लोग निकाल रहे हैं इसमें ये ओवरव्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो CPU लग के है इसमें 8916 CPU है, MMC BGA 221, LPDDR जो होता है हमारा लो पावर डबल डाटा रेट, और MMC जो होती है एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप, या फिर एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर भी इसे कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पावर IC है PM8916 इसमें लग के है। तो फ्रेंड्स, ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूँगा, तो ये आप देख सकते हैं जो इसमें पावर IC लग के PM8916, ये जो होती हैं फ्रेंड्स सारी हमारी VBAT और हमारी VDD लाइन्स, जो हमारी कोर लाइन हो गई, या फिर आपकी स्पीकर के लिए सप्लाई, VPS सप्लाई, RF क्लॉक के लिए सप्लाई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे LDO सप्लाई है। तो ये सारी चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे SIM1 और SIM1 के लिए देख सकते हैं UIM, SIM1 के लिए GPIO, NFC क्लॉक, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, तो ये AP थर्मिस्टर जो होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए देख सकते हैं सारी, ये जितने भी सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। जो क्रिस्टल इसके साथ लग के मिलेगा आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज का ऑक्सीलेटर क्रिस्टल देखने को मिलेगा। सारी क्रिस्टल की सप्लाई इन आउट होती है, RF से जो सप्लाई आउट होती है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए क्लॉक सप्लाई है, क्लॉक 1 क्लॉक 2, ये BB मतलब बेस बैंड क्लॉक है, दोनों भी बेस बैंड क्लॉक यहाँ पे देख सकते हैं, बेस बैंड क्लॉक के लिए इनेबल है। और ये स्लीप क्लॉक जो होता है हमारा 32 मेगाहर्ट्ज, 32.768 किलोहर्ट्ज की सप्लाई होती है स्लीप क्लॉक में, किलोहर्ट्ज, और इसमें आपको मेगाहर्ट्ज की सप्लाई मिलती है। इसके अलावा एक्सोथर्म, PA थर्म और थर्मिस्टर्स की लाइन है, ये मेन बैटरी की थर्मल लाइन, ID लाइन जिसे हम कहते हैं, ये RAM के लिए वोल्टेज रेफरेंस होता है। इसके अलावा इसी IC के अंदर PM8916 के अंदर ही आपका ऑडियो सेक्शन भी होता है, तो ऑडियो के लिए माइक के सप्लाइयाँ होती है, माइक 3 माइक जिसे बता रहा है, प्राइमरी माइक, सब माइक और हेडफोन जैक में एक माइक होता है जिसको हम माइक भी माइक होता है, और एक सेकेंडरी माइक जो कि ऊपर वीडियो कॉलिंग नॉइस कैंसिलेशन के लिए, हेडफोन डिटेक्शन पिन, रिसीवर के दोनों टिप्स, ईयर स्पीकर लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं इसमें, हेडफोन जैक, और ये स्पीकर के लिए ड्राइव, सारी चीज़ यहाँ पे है स्पीकर वगैरह के लिए। और ये सारी आप देख सकते हैं सारी सप्लाई RX GX की सप्लाई हैं। तो इसमें और भी फ्रेंड्स रीसेट क्लॉक, SPMI, सीरियल पावर मैनेजमेंट इंटरफेस बोलते हैं, सिस्टम पावर मैनेजमेंट डाटा भी बोलते हैं इसे, पावर ऑन रीसेट की सप्लाई, पावर ऑन नेगेटिव की सप्लाई, ये नेगेटिव रीसेट, नेगेटिव जो है फ्रेंड्स हमारा रीसेट इन और पावर ऑन रीसेट, ये दो, और ये PS होल्ड, ये सारे सिग्नल लाइन्स हैं। जितनी भी यहाँ पे ग्रीन कलर इन्होंने डाली फ्रेंड्स, मैं नोटिस किया हूँ इसमें सिग्नल और कंट्रोलिंग लाइन्स है जो ग्रीन कलर से दिए, रेड कलर से जो इन्होंने डाला है वो सारे वोल्टेजेस की लाइनें होती है इसमें, और जो ब्लू कलर की लाइन्स आप देख रहे हैं ये सारा इनका ये पूरे कैमरा LDO वगैरह के लिए है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये पूरे LDO है इसके अंदर, जो 18 LDO इसमें यूज किए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बक सप्लाई जो है S1, S2, S3, S4, यहाँ पे 4 यहाँ पे SMPS सप्लाई इन्होंने स्विचिंग सप्लाई यूज़ की गई है। और इसके अलावा
जो एलडीओ इन्होंने यूज किए हैं इसके अंदर 18 एलडीओ इन्होंने यूज किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 18 एलडीओ तक यहाँ पे इन्होंने यूज किए हैं। सारे यहाँ पे लिखे हैं, ये सिम के लिए होता है, ये आपका आरएफ क्लॉक के लिए होता है, ईएमएमसी के लिए होता है, ये यूएसबी सेक्शन के लिए होता है, तो सब कुछ यहाँ पे लिख के इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो डाला है। ये सारी बक एंड एलडीओ सप्लाई है, अगर आप कहेंगे तो डिटेल में हम बक सप्लाई और एलडीओ सप्लाई के बारे में एक और वीडियो बना देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएसबी स्विचिंग के लिए एक यहाँ पे भी एक जो आप जो सप्लाइयाँ बताई गई हैं, जो कि बैटरी आईडी लाइन हो गई, वी बैट, वी बस आउट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से डीएमडीपी की सप्लाई, और ये जो डीपी होस्ट है ये सीपीयू को जाता है, इसी से देख सकते हैं आप, यहाँ से सीपीयू में जाती है ये सप्लाई यहाँ पे इस तरह से। तो ये एक सप्लाई इन्होंने यहाँ पे बताई है, और यूएट केबल जो ये लोग यूज करते थे पहले उसके लिए इन्होंने रख लिया है। बाकी यूएसबी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे रख ली है, जो हमारी चार्जिंग पिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूएसबी आईडी पिन, तो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग का सेक्शन बता रहे हैं, चार्ज वी इन मतलब वी बस इन होता है, वही हमारा देख सकते हैं वी बस यहाँ से इसमें इन हो रहा है। उसके अलावा ये जो ग्रीन कलर के पिन देख रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे आपके सिग्नल पिन है, जैसे एफजी मतलब फ्यूल गेज, फ्यूल गेज के लिए I2C सप्लाई है, यहाँ फ्यूल गेज अलर्ट एक सप्लाई है। इसके अलावा PMIC के लिए I2C सप्लाई है, IF, INT सप्लाई। इसके अलावा कैमरा सेंसर, ये कैमरे के लिए कोर सप्लाई, इनेबल सप्लाई, ये VPH बक इसमें इन हो रहा है, और ये कैमरे की कोर सप्लाई 1.2 का बक वोल्टेज यहाँ से ही आउट होता है। इसके अलावा फ्लैश LED इसी से कनेक्टेड है। चार्जिंग आउट मतलब हमारा VBAT का वोल्टेज जो हमारा बैटरी कनेक्टर को जाता है, ये देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर को यहाँ से जाएगा इस तरह से। सारे सेंसिंग लाइन्स है, फ्यूल गेज सेंसिंग, बैटरी आईडी और मास्टर रीसेट, और ये कैमरे का फ्लैश इनेबल, टॉर्च इनेबल के लिए ये सारी सप्लाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएस मतलब ये टच की सप्लाई के लिए है, 1.8 का वोल्टेज एलडीओ, ये सारे एलडीओ वोल्टेजेस है, एलसीडी के लिए, कैमरे के लिए, कैमरा टू के लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, WCN वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, ब्लूटूथ, FM और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WTR वायरलेस ट्रांस रिसीवर, BB मतलब बेसबैंड, तो इसके लिए भी यहाँ से सीपीयू से ये सारे वोल्टेजेस आते हैं। यही सेक्शन आपका सेम सीपीयू में भी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बेसबैंड के लिए सारी लाइनें, WTR के लिए जा रही हैं, RX TX की लाइनें, DRX PRX TRX लाइनें, ये सारी चीज X यहाँ पे देख सकते हैं, ये FM ब्लूटूथ, वाईफाई के लिए यहाँ से डाटा जा रहा है, देख सकते हैं ये सारी चीज। RF क्लॉक की सप्लाई जा रही, BB क्लॉक की सप्लाई यहाँ जा रही, RF क्लॉक का सप्लाई यहाँ पे जा रही है, और कैमरे के लिए जो वोल्टेजेस 1.8 2.8 के यहाँ से जा रहे हैं, और इसके लिए 2.8 और 1.8 VPS से यहाँ पे L5 मतलब LDO सप्लाई यहाँ से देख सकते हैं, LDO की सप्लाई जा रही है यहाँ से। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंटेना वगैरह है, आपको RFFE क्लॉक डाटा, नेटवर्क सेक्शन के क्लॉक डाटा होते हैं ये। कैमरे के लिए MIPI CSIO मतलब MIPI मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, CSI मतलब कैमरा सीरियल इंटरफेस आउटपुट, तो ये सारा यहाँ पे होता है, ये सारा कैमरा सेक्शन। उसके बाद में LCD मीपी लाइन्स, ये कैमरे का मीपी लाइन हो गया, और ये LCD का, इसको हम डिस्प्ले कनेक्टर के पास अगर आप देखेंगे तो डबल कॉइल्स लगे होते हैं। TS I2C मतलब ये टच की सप्लाई हो गई, LCD डिटेक्शन, और ये LDO के लिए इनेबल सप्लाई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मीपी DSO रीसेट लाइन, ये डिस्प्ले के लिए रीसेट लाइन है आपकी। टच के लिए यहाँ पे 1.8 का इनेबल जा रहा है, और एक टच के लिए I2C सप्लाई है, ये सारा टच का सप्लाई है। इसमें आपको SDA और SCL INT ये सारी सप्लाई मिलती है। ये कैमरे के लिए कोर सप्लाई, उसके बाद ये जो USB DMDP जो ये हमारा चार्जिंग पिन से आती है सप्लाई है, जो आप फ्लैशिंग वगैरह करते हैं, FRP वगैरह निकालते हैं, या फोटोज कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप एक्सचेंज करते हो तो उसके लिए सप्लाई है। यूअर्ट कम्युनिकेशन उनके लिए RX TX है, PCB को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे MUIC के लिए, चार्जिंग IC के लिए I2C सप्लाई है। तो सारी चीज़ें, ये USB ID है, जब USB से आइडेंटिफिकेशन करते हैं आप, नीचे चार्जर लगाए, केबल लगाए, डाटा केबल लगाए, पेन ड्राइव लगाए, OTG लगाए, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की सप्लाई देख सकते हैं यहाँ से, ये है की की सप्लाई, पावर ये हमारा। इसके अलावा मास्टर रीसेट मोटर मतलब आपका वाइब्रेटर के लिए, टच के लिए एक 1.8 का सिग्नल यहाँ से जाता है, और ये सब RX TX की लाइनें हैं सारी।
और इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एसपीएमआई क्लॉक वगैरह, पीएस होल्ड, ये पावर एसी के सारे वोल्टेजेस को होल्ड करने के लिए, एमएसएम रीसेट नेगेटिव, ये देख सकते हैं वॉल्यूम की सप्लाई, और आईएनटी की सप्लाई, आई टू सी सप्लाई, इसमें भी आई टू सी सप्लाई है, ये बेसबैंड क्लॉक, स्लीप क्लॉक 32 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई यहाँ से जनरेट होती है, ये सारी चीज यहाँ पे आती है इसको, और ये सेंसर से पूरे एक्सेलोमीटर, ये पूरे आई टू सी लाइन है, और इसमें सिम वन देख रहे हैं आप, इसमें सिंगल सिम का बता रहा है, हालांकि दो सिम भी यूज होते हैं, तो ये सिम वन के लिए बता रहा है, UIM 1 UIM 2 ऐसा लिख के होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिम, एसडी कार्ड और एक्सेलेरो सेंसर। इसके अलावा ये पूरे फ्रेंड्स जो हमारे VREG की सप्लाई होती है 1.2, ये लोअर एलडीओ हायर एलडीओ यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे के सारे, ये पावर का सेक्शन है पावर एसी के साथ, और ये EBIO पिन जो होते हैं फ्रेंड्स, एक्सटर्नल बस इनपुट आउटपुट, ये सारे DQ वगैरह रैम के लिए होते हैं, और CA वगैरह जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पूरा रैम के लिए सप्लाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे डाटा के साथ पिने होती है, और हमारा VCC VCCQ क्लॉक कमांड, ये देख सकते हैं VCC VCCQ क्लॉक कमांड रीसेट डाटा जीरो, ये MMC के लिए यूज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डाटा के टोटल 8 पिने होती हैं 0 से लेकर 7 तक। तो ये ब्लू कलर की जितनी भी आप लाइंस देख रहे हैं ये CPU और MMC के साथ कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं, और इसमें रैम यहाँ पे लग के लो पावर डबल डाटा रेट जिसे कहते हैं, तो ये रैम और रोम दोनों BGA 221 के अंदर ही होता है। तो ये जो बता रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने SOC इसमें आ चुका है, हो सकता है इससे बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी कि कौन सा वोल्टेजेस किधर जा रहा है, किससे कनेक्टेड है, कौन सी लाइन। तो ये CPU के बारे में इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हमको, ये देख सकते हैं SDC मतलब हमारा SD कार्ड, और UIM मतलब सिम कार्ड, सिम ट्रे, पावर सेक्शन, ये रैम के लिए सेक्शन, और ये MMC के लिए सेक्शन, बेस बैंड के लिए, ब्लूटूथ, FM, Wi-Fi, GPS के लिए, NFC, कैमरे के लिए, ये पूरा सारा आपको ये कम्युनिकेशन है। बहुत अच्छे से आपको इन्होंने बताने की कोशिश की है, देख सकते हैं क्लॉक की सप्लाई, बक LDO सप्लाई, कोडेक मतलब ऑडियो सेक्शन को बोलते हैं, और ये पावर एसी के सप्लाई इधर से इन हो रहे हैं DC to DC से, ये सारी चीज इन्होंने बताई है यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स एक सॉक जो है एक आइडिया के लिए आपको दिया गया है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें वो लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सॉक जो होता है वो क्या है, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। सो दोस्तों, इस तरह के काफी सारे वीडियोस हम फोनफिक हैदराबाद के यूट्यूब चैनल पे लेकर आते रहते हैं, काफी सारे एनिमेटेड वीडियोस है, जाकर आप देख सकते हैं। डेड मोबाइल बनाना है, पावर एसी के बूट सिक्वेंस कैसे चेक करना है, मीडियाटेक में पावर एसी से एक आउटपुट कैसा होता है, BQIC 24 लग की होती है उसको कैसे हम ट्रेस करें, D8 जो सबसे ज्यादा लाइट ऐसी आती है, लाइट सेक्शन के बारे में यहाँ पे वीडियो है, जाकर देखिए। और यहाँ हेडफोन जैक के लिए वीडियो है, नेटवर्क सेक्शन के लिए वीडियो है, यहाँ पे बैटरी थर्मल बैटरी आईडी के लिए है, यहाँ पे मीडियाटेक का लेटेस्ट चिपसेट है, ये 4G 5G मोबाइल में आपको क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, बहुत अच्छा यहाँ पे वीडियो बनाया है। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, MMC की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। फोन फिक्स हैदराबाद डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर गूगल में जाएंगे और हमारा वेबसाइट है phonefix.hyd, आप लिख दीजिए बस phonefix.hyd.com लिखेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल आपको कोर्स के रिलेटेड मिल जाएगी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, हमारा एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद सारे वीडियो डल के क्या क्या हम सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, बाकी हमारा एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ है यहाँ पे। तो जुड़े रहिए फोनफिश हैदराबाद टीम के साथ। वीडियो अच्छा लगा जरूर नीचे लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा सा आपका कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को एक टेक्नीशियन भाई के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।